वक्त आपका द फैक्ट टाइम है। मैं हूँ आपके साथ नेहा, जुड़े हैं उन लड़कियों के साथ, दिखा रहे हैं डेरे सच्चा सौदा से सीधी कवरेज, जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हेलो मैम। हेलो, कहाँ से हैं मैम? मैं सिरसा से हूँ। आपका नाम? ऐशनीत। डेरे से आप कब से जुड़े हैं? हमें काफ़ी अर्ज हो गया है, रियलिटी बताऊँ तो जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हम डेरे ही आते हैं। स्टडी कर रहे हो मैम? हाँ जी, यहाँ से ही कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? 9th। कौन से स्कूल में मैम? शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल से आप स्टडी कर रहे हैं मैम। तो आपको मैम क्या लगता है, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में क्या हो रहा है मैम आज, मतलब जब से आप वहाँ से स्टडी कर रहे हो क्या हुआ है वहाँ? वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, हमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे स्कूल में। नेगेटिविटी को लेके चला जाए? नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है स्कूल में, हमें बहुत मज़ा आता है, हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, हमें पिताजी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है और उनके बारे में मोटिवेट किया जाता है। हाँ, अभी हम अपने फ्रेंड सर्कल को भी डेरे लेके आया करें, हमें पहले डेरे में भी जैसे यहाँ आई कैंप लगता है तो हमारी आईज़ भी यहीं चेक होती हैं। तो मैम लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, गुरुजी क्या सिखाते हैं लड़कियों? गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें गेम्स में ज़्यादा आगे आना चाहिए। आप देखते हैं तो हम ओलंपिक्स खेलने जाते हैं, टूर्नामेंट्स जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, हम बाहर जाते हैं और कहीं हमें गेम्स ही सिखाने आते थे। मैम गुरुजी ने आपको गेम सिखाई, आपको मतलब लड़ना सिखाया, तो ऐसे संत को क्यों बदनाम किया गया? ये पॉलिटिक्स का कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम पिताजी को आज ही बाहर निकाल। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मैम कुछ चेंज आए हैं आफ्टर आपने जब से नाम लिया है मैम डेरे से? नहीं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमें बहुत मज़ा आता है, नाम हम रोज हर संडे आते हैं डेरे और हम यहाँ से रोज सत्संग सुनने भी आते हैं, सेवा पे भी आते हैं। आप अपने आप को सेफ फील करती हैं मैम यहाँ? हाँ जी। अभी रात में रुकी हैं मैम यहाँ? तो कैसा माहौल था मैम, अगर जब भी आप रात में रुकते थे कैसा माहौल था लड़कियों को लेके मैम? पूरी सेफ्टियाँ हैं, सेफ्टी है मैम। तो मैम यहाँ पे बताया जाता था कि यहाँ पे एक सेवा बताई जाती है कि सेवा करवाई जाती है यहाँ से लड़कियों से, महिलाओं से, किस टाइप की सेवा करवाई जाती है? हमें पिताजी ने कभी कम नहीं समझा, हमने खेत की भी सेवा की है और उसके बाद हमने यहाँ पे खेतों में मैम क्या सेवा करते थे आप? हमने वो गड्ढे भी खोदे हैं, जब हमारा वो ट्री प्लांटेशन होता है तो हमने गड्ढे भी पहले बहुत खोदे हैं और बहुत सेवा की है हमने, जैसे यहाँ स्टॉल्स लगाए देते हैं वगैरह सब कुछ। मैम मतलब सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी भेजे हमारे पास, हम उनके बिना नहीं रहा जा रहा, प्लीज़ हम हमारे पास जल्दी भेजे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये वो लड़की थी, ये वो लड़कियाँ हैं जो बार बार सामने आके बोल रही है कि हमारे गुरुजी जो भी करते थे हमें सही राह पे चलने के लिए हमें सही राह पे चलना सिखाते थे। तो आखिर क्यों ऐसे संत को बदनाम किया गया, क्यों ऐसे गुरु को बदनाम किया गया, ज़रा गौर से सोचिए और अपनी राइट कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।